टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गरीब मजबूर महिला सईदा बानो के बेटे की मौत कोरोना की वजह से होने से समाज सेवक फिरोज अबू सुफियान शेख ने जनधन योजना के तहत सईदा बानो को 2 लाख रुपये दिलवाए। इस कोरोना काल में न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, यहाँ तक कि उनकी आखिरी बार चेहरा तक परिवार के लोग नहीं देख पाए। कोरोना इतना खतरनाक वायरस है कि एक इंसान दूसरे इंसान से दूर भागता है, यहाँ तक कि लोग अपने ही हाथों से डरते हैं। बिना हाथ धोए आँख और चेहरे पर हाथ लगाने से भी डर लगता है। इस खतरनाक वायरस ने कई परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी ही एक महिला सईदा बानो जो भिवंडी के शांति नगर में रहती है, पति के मौत के बाद उनका बेटा ही उनका सहारा था, मगर इस कोरोना काल ने उनका सहारा भी इनसे छीन लिया। बेटे की मौत के बाद लाचार सईदा बानो के सामने बची हुई जिंदगी काले साए की तरह दिखाई दे रही थी, मगर सईदा बानो की जिंदगी में एक छोटा सा दिया रोशन कर जीवन में उजाला लाने की कोशिश भिवंडी के समाज सेवक अबू सुफियान ने जनधन योजना के तहत सईदा बानो को 2 लाख रुपए दिलाकर किया। सईदा बानो ने बताया कि कोरोना काल में जब उनका बेटा बीमार था तभी वो समाज सेवक अबू सुफियान शेख से मिली और इलाज में भी सुफियान ने उनकी मदद की, जनधन योजना में अकाउंट खुलवाया और आज उनके बेटे के मौत के बाद सईदा बानो को 2 लाख रुपये मदद जनधन योजना से मिली। वहीं अबू सुफियान का भी कहना है कि लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादातर लोग योजनाओं की जानकारी को नहीं जानते हैं और इसलिए इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले हम सुनाते हैं सईदा बानो ने क्या कुछ कहा है 2 लाख रुपए जनधन योजना से मिलने के बाद और अबू सुफियान ने भी क्या जानकारी दी। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, 2 बेटा थे दोनों ख़त्म हो गए, सहारा नहीं, आदमी भी ख़त्म हो गए, कोई सहारा नहीं। वही हिसाब से अपन दवा खाना में गए, सुफियान भाई ने हमको सहारा दिया, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ दवा इलाज करे, वहीं ख़त्म हो गए बच्चे। सुफियान भाई हमारे बच्चे का बैंक का खाता खुला है, बोले इंशाल्लाह तुमको पैसा मिल जाएंगे, तुम दुआ करो। हम दुआ करते गए, आज सुफियान भाई हमको पैसा मिला दी। कितने दिन बाद मिल रहा है पैसा, मतलब अपने बच्चे को इंतकाल हो कितना दिन हो गए? 8-9 महीने हो गए, साल 8-9 महीने हो गए। हाँ, साल भर हो गए जब से ये कर रहे हैं। कितना पैसा आपको दे रहे हैं सुफियान भाई जी? कितना पैसा आपको दे रहे हैं सुफियान भाई? 2 लाख बोले सुफियान भाई, दे बोले 2 लाख आने वाला, तुम ले लेना। तो अभी क्या करेंगे पैसे का जी? ये पैसे का क्या करेंगे, इतनी बड़ी रकम एक साथ मिलेगी तो? ये पैसे का घर उर बना लेंगे भैया, टूटा फूटा घर है, जो बचेंगे घर के थोड़ा खर्चा पानी कुछ लेके अपना दुकान उकान खोल लेंगे। थोड़ी बच्चे की पढ़ाई में भी लगा दो। अच्छा, नहीं, 2 बेटी अपना अपना घर पे, शुक्रिया अदा कर रहे हम सबके, सबको सलाम कर रहे, सबको दुआ दे रहे, अल्लाह ताला तुम लोग का हर मुसीबत से दूर करे। भैया हमारे सहारा नहीं, आज मिल गए सहारा, हमारे सब दोनों बच्चे चले, आदमी भी चलेगा, कोई सहारा है। आज सुफियान भाई नहीं बोलते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, हम तो भाई अनपढ़ कोई पढ़े लिखे तो है नहीं जानेंगे, मगर सुफियान भाई की वजह से यहाँ तक पहुँच गए। दरअसल देखिए, मैं शांति नगर में समाज सेवक के हिस्से से बहुत सालों से काम करता हूँ, मेरी मिसेज जो है वार्ड की नगर सेविका भी है, उसी हैसियत से मैं शांति नगर में कई स्कीमें लाया करता हूँ और बहुत सी स्कीमें लाता हूँ, गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट से भी कई स्कीमें लाया हूँ। और इसी स्कीम में एक हमारे यहाँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारे यहाँ जो है जनधन योजना की स्कीम, उसके तहत मैं लोगों के अकाउंट खोलता हूँ, तकरीबन 8 से 10 हज़ार हमारे यहाँ अकाउंट है। तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को समझ आने के लिए हमने आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि इसमें जनधन योजना की स्कीम है, एक्सीडेंटल स्कीम है या फिर मौत हो जाने के लिए स्कीम है, इसके अलावा जो है हमारे इसमें अटल पेंशन योजना की स्कीम है। लोगों में जागरूकता ना होने की वजह से, पढ़े लिखे ना होने की वजह से स्कीम का फ़ायदा सही नहीं उठा पाते, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लोग ये जानें कि ये स्कीम में ये महिला जो यहाँ बैठी है सईदा आपा, इनका एक बच्चा था
उसका अकाउंट हमारे यहाँ था। इत्तेफाक से उनका बच्चा बीमार होने की वजह से सिविल हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हो गया और उसका अकाउंट हमारे यहाँ होने की वजह से हमने भाग दौड़ करके थोड़ी सी मेहनत करके इनका ये 2 लाख रुपया गवर्नमेंट से जनधन योजना के तहत पास करवाए और ये आज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज उनको कैश दे रहे हैं। और ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि हमारी इस योजना के तहत सिर्फ आप 1 रुपये का अकाउंट खोलो तो आपको ये 2 लाख रुपये का जनधन योजना के स्कीम में आते हैं, और आप महीने का 1 रुपये का अकाउंट खोलते हो तो आप 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा मिल सकता है। अटल पेंशन योजना में आपकी एक मियाद है 10-20 साल तक, अगर आप पेंशन में पैसा जमा कराते हो तो उस 20 साल के बाद आप जब तक जियोगे जब तक गवर्नमेंट आपको पेंशन देंगी। ये कई स्कीमें हैं, स्कीम का बोर्ड हमारे यहाँ लगा है लेकिन ये 2014 से स्कीमें चल रही है लेकिन लोगों में जागरूकता फैल नहीं रही है। ये मैं पहला काम नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैं कई लोगों को इस प्रकार के इंश्योरेंस दिलवा चुका हूँ लेकिन लोगों में ये फैलाव नहीं हो रहा। भिवंडी के नागरिक पढ़े लिखे ना होने की वजह से इसमें ना आ रहे, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ। ये जो स्कीम है तो ये हर एक नागरिक के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, कि इसके लिए कुछ खास पैरामीटर्स है? नहीं, ये किसी भी इंसान के लिए, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन 50 साल के अंदर ये स्कीम स्टार्ट होती है, 51वें साल को ये स्कीम लागू नहीं होती है और बच्चा जब 18 साल का होता है तो ये लागू होती है। इसके दरमियान में कोई भी ये स्कीम में आ सकता है और इसका लाभ ले सकता है। तो ये जो आपने जो इनको पैसे दिला है तो ये आसानी से मिल गया है कि थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ी आपको? नहीं, इसमें मेरे को थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ी है और थोड़ी सी भागदौड़ करने के बाद गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। और ये जो पैसे है ये टैक्स फ्री है क्या? हाँ, ये पैसे जो है वाइट पैसा है, टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट ने अकाउंट में डाले, किसी प्रकार का चेक नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं। ये पैसा अकाउंट से निकाल के इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कैश के रूप में।